हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कैसे आप घर पे ब्रेड पिज्जा बना सकते हैं, वो भी बिना ओवन के इस्तेमाल के। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल शॉर्ट इंडियन रेमेडीज और बेल के आइकन को क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। ब्रेड पिज्जा देखने में बहुत यमी लगता है और खाने में भी बहुत ही ज्यादा यमी होता है। इस ब्रेड पिज्जा को आप घर पे कैसे बना सकते हैं, वो भी बिना माइक्रोवेव के, चलिए जानते हैं। ब्रेड पिज्जा बनाने के लिए आपको चाहिए 6 स्लाइस ब्रेड की, आधा कप स्वीट कॉर्न उबला हुआ, एक बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, एक बारीक कटा हुआ प्याज, एक बारीक कटा हुआ टमाटर, 5 चम्मच बटर, एक कप घिसा हुआ मोजरेला चीज, काली मिर्च स्वाद अनुसार। उसके बाद आपको चाहिए टमाटो या पिज्जा सॉस 6 चम्मच और नमक स्वाद अनुसार। ब्रेड पिज्जा बनाने के लिए आपको सबसे पहले ब्रेड के ऊपर लगानी है एक बटर की लेयर। बटर की लेयर लगाने के बाद आप उस पर लगाइए टमाटो या पिज्जा सॉस। जब आप टमाटो और पिज्जा सॉस लगा दें, उसके बाद आपको उस पर एक लेयर डालनी है कैप्सिकम की, यानी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च की। उसके बाद आपको उसके ऊपर एक लेयर लगानी है टमाटोज की, टमाटर की। टमाटर की लेयर बिछाने के बाद आपको उस पर बिछानी है प्याज की एक परत, और प्याज की परत बिछाने के बाद आपको उस पर डालना है एक स्वीट कॉर्न की लेयर को। स्वीट कॉर्न की लेयर को डालने के बाद आप उस पर थोड़ा सा छिड़क दें काली मिर्च को, और काली मिर्च छिड़कने के बाद आप उस पर बुरक दें हल्का सा नमक। ये करने के बाद आपको थोड़ा सा घिसा हुआ मोजरेला चीज भी उस पर डालना है। आप चाहें तो मोजरेला चीज की मात्रा बढ़ा सकते हैं, जितना आपको चीजी चाहिए आपका ब्रेड पिज्जा, आप उतना चीजी बना सकते हैं। ये सब प्रिपरेशन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से अपना ब्रेड पिज्जा दिखने लग जाएगा, जिसे बेक करना अभी बाकी है। इस पिज्जा को बेक करने के लिए आपको एक नॉनस्टिक पैन लेना है और उसमें डालना है थोड़ा सा बटर। बटर हम इसलिए ले रहे हैं ताकि थोड़ा सा ग्रीस मिल जाए हमारे ब्रेड पिज्जा को और हमारा ब्रेड पिज्जा जले नहीं। बटर डालने के बाद तैयार ब्रेड पिज्जा को आप उस पैन पे रख दीजिए, और रखने के बाद आप उसे 5 से 10 सेकेंड तक पकने दीजिए। 5 से 10 सेकेंड बाद आप इसे एक लीड से ढक दीजिए, और लीड से ढकने के बाद आप इसे 1 मिनट तक छोड़ दीजिए। 1 मिनट के अंदर आपका चीज मेल्ट होने लग जाएगा, और मेल्ट होने के बाद आपका ब्रेड पिज्जा कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा। जब आपका ब्रेड पिज्जा कुछ इस तरीके से दिखने लग जाए तो आप इसे पैन से हटा लीजिए, और इसे आप गर्मा गर्म कैचअप के साथ सर्व कीजिए। आप मिर्ची की मात्रा कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं अपने बच्चों के स्वाद के अनुसार। आप हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए क्लिक करें सजेस्टेड वीडियोस के लिंक्स पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।